वाराणसी में ठंड और कोहरे के बीच बेजुबान जानवरों की जिंदगी बचाने के लिए वाराणसी के युवाओं ने अनोखा कदम उठाया है। युवाओं की स्पेशल 40 टीम ने ऑपरेशन रोशनी की शुरुआत की है, जिसके तहत शहर में घूमने वाले आवारा बेजुबानों को ये युवा वाटरप्रूफ रिफ्लेक्टिव कॉलर बांध रहे हैं। इस स्पेशल कॉलर पर गाड़ियों की रोशनी पड़ते ही ये चमक उठती है, जिससे सड़कों पर कोहरे के वक्त गाड़ी चलाने वाले चालक सावधान हो जाते हैं और इससे जानवरों की जान बचाई जा सकती है। दरअसल एनिमल लवर शिवम प्रजापति के पहल पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 40 स्टूडेंट्स ने इस मुहिम की शुरुआत की है। बताते चले कि ये युवा पॉकेट मनी से कोहरे में बेजुबानों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। इस नेक बैंड को इन युवाओं ने ही तैयार किया है। इसको हम लोग एनिमल्स के नेक में इसलिए बांधते हैं जिससे कि एक्सीडेंटल केस कम हो। ये एक प्रकार हम लोग अभी तक जो आधा बनारस समझ लीजिए कवर कर चुके हैं। संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ जिनको मैं व्यक्तिगत बांधने गया था वो 500 से 600 के लमसम में है। कितने लोगों की आप लोगों की टीम है इसमें वर्क कर रही है और अब तक किन किन एरियों में आप लोगों ने हमारी टीम? तो देखिए, हमारा जो ग्रुप का नाम है वो प्रकृति रक्षक एनिमल हेल्पर के नाम से है और उस टीम उसमें जो है कि 30 से 40 लोग सम्मिलित हैं और हम लोगों ने जो है कि BHU और सुंदरपुर और गदौलिया और मैदागिन, ये आज 80 घाट, इन सब जगहों क्षेत्रों में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने बांधा है। क्या लगता है ऐसे कितना फ़ायदा होगा इन पशुओं को जो रोड रात में अचानक दब जाते हैं गाड़ियों से? देखिए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण किया गया है ताकि उन बच्चों को जो है कि संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाए और आप भी संरक्षित एवं सुरक्षित रहेंगे। मुहिम की शुरुआत करने वाले शिवम प्रजापति ने बताया कि अब तक उनकी टीम ने इस अभियान के जरिए 500 बेजुबानों को वाटर प्रूफ नेक बैंड पहनाया है, जिससे शहर के कई इलाके कवर हो गए हैं। अन्य इलाकों में भी ये युवा इस नेक बैंड को बेजुबानों में पहना रहे हैं। बताते चले कि कोहरे के मौसम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण रात के वक्त कई बार बेजुबान जानवर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में रोड एक्सीडेंट से उन्हें बचाने के लिए इन युवाओं ने अनोखा पहल किया है, जिसकी अब हर कोई तारीफ कर रहा है।